आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने शशिकरणा प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी प्यारे बच्चे सपरिवार स्वस्थ होंगे और बड़े उत्साहपूर्वक रणनीतिक तहत आपकी तैयारी चल रही होगी। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से उपस्थित हो जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शशिकरणा यूट्यूब चैनल पर। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे अपने अपने ग्रुप में वीडियो शेयर कर दें, जल्दी से जुड़ जाएं सभी प्यारे बच्चे। बच्चे आज का पहला प्रश्न है, अपनी गरज बावली लोकोत्ति का सामान्य अर्थ क्या है? अपनी गरज बावली लोकोत्ति का सामान्य अर्थ क्या है? बिजली की गर्जना तीव्र होती है, स्वार्थी आदमी दूसरे की चिंता नहीं करता, अपनी कुशलता देखनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। रमेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत बच्चे, प्रणाम बेटा प्रणाम। मोनिका जी गुड इवनिंग, मुझे गुड इवनिंग। वीना जी गुड इवनिंग, विकास जी गुड इवनिंग, अनु जी गुड इवनिंग, वीना पाल जी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है शशिकरणा यूट्यूब चैनल में। सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं, अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दें। रविंद्र जी का सही उत्तर है और सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। अपनी गरज बावली लोकोत्ति का सामान्य अर्थ क्या है? गरज बिजली की गर्जना तीव्र होती है, स्वार्थी आदि दूसरे चिंता नहीं करता, अपनी कुशलता देखनी चाहिए, ऑप्शन डी सावधानी बरतनी चाहिए। सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से। अनुजीत बच्चे टाइमिंग चेंज नहीं हुई है, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास स्टार्ट लेट हुई है। विजया जी का बहुत बहुत स्वागत है, बी उत्तर दिया है। रविशंकर जी का बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जितने प्यारे बच्चे फेसबुक से लाइव हो रहे हैं आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी प्यारे बच्चे शशिकरणा यूट्यूब चैनल पर मूव कर जाएं, जिससे आप सभी के कमेंट पे एक साथ पढ़ पाए। आनंद जी का भी उत्तर है। अगला प्रश्न बच्चे हैं, पूछा गया इस अलंकार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रणाम बेटा प्रणाम। अन्य जी ज्योति जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। जितने प्यारे बच्चे रविशंकर जी आपसे मेरा निवेदन है, आप शशिकरणा यूट्यूब चैनल पर मूव कर जाएं, जिससे आप सभी कमेंट प्यारे बच्चों के साथ पढ़ पाए। रविशंकर जी सभी प्यारे बच्चे शशिकरणा यूट्यूब चैनल पर मूव कर जाएं, जिससे आप सबके कमेंट एक साथ पढ़ पाए। वेरी देखते बच्चे से वेरी गुड बच्चे। उत्प्रेक्षा अलंकार जनहू मनहू जितने भी शब्द होते हैं सभी उत्प्रेक्षा अलंकार की जो संकेत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य छांटिए, इनमें से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, राम वन गया, राम और लक्ष्मण वन गए। वीना पाल जी का सही उत्तर है, विद्या जी का सही उत्तर है और सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। आनिया जी का डी उत्तर है, अनुजी का ए उत्तर है और सही उत्तर दें। ज्योति दुबे जी का सी उत्तर है, राम वन गया। बच्चे लिखा है राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, तो बच्चे गई नहीं होता, गई होता है ऑप्शन बच्चे ए गलत है। अगला प्रश्न बच्चे हैं, दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी। गुरु कुमार जी मयंक गुप्ता जी रविशंकर जी आप सभी प्यारे बच्चे जो फेसबुक से लाइव हो रहे हैं, सुधीर कुमार जी
पुष्पा सिंह जी, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी प्यारे बच्चे शशि करना यूट्यूब चैनल पर मूव कर जाएं, जिससे आप सभी के कमेंट प्यारे बच्चों एक साथ पढ़ पाए। वेरी गुड, ऑप्शन ए दुरावस्था दुर्दशा। अगला प्रश्न बच्चे हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जो शत्रु की हत्या करता है। शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध, निर्दय। सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। जितने प्यारे बच्चे फेसबुक से लाइव हो रहे हैं, पुष्पा सिंह जी, सुधीर कुमार जी, मयंक गुप्ता अग्रवाल जी, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी प्यारे बच्चे शशि करना यूट्यूब चैनल पर मूव कर जाएं, इससे आप सभी के कमेंट प्यारे बच्चे साथ पढ़ पाए। अभिषेक कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत बच्चे, जय भीम। अन्य जी का ये उत्तर है, विजय जी का ये उत्तर है, ज्योति जी का ये उत्तर है, विना पाल जी का ये उत्तर है, अनु जी का ये उत्तर है, संदीप यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है, शशिकन्या प्लेटफॉर्म पर ये उत्तर दिया है। शत्रुघ्न बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। सभी प्यारे उत्तर दें। आने जी ने कहा सर आप जनरली लेट नहीं होते हैं, बट आज लेट हो गए। आने जी बच्चे कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से लेट क्लास आपकी स्टार्ट हो पाई, आपका टेस्ट स्टार्ट हो पाया है। सभी प्यारे चुत्र ने अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन बच्चे। ऑप्शन ए किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। सभी प्यारे चुत्र दें। विजय जी का डी उत्तर है, रविंद्र जी का डी उत्तर है, बच्चे इसका डी उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बच्चे हैं, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए चयन, ऑप्शन बी अधोभाग्य, ऑप्शन सी अधोपतन, ऑप्शन डी कठोर। सभी प्यारे चित्र दें। सर्वेश सिंह राजपूत जी का बहुत बहुत स्वागत है, शशिकन्या प्लेटफॉर्म पर डी उत्तर दिया है। आन्या जी का ये उत्तर है, विजय जी का ये उत्तर है, वीना पाल जी का ये उत्तर है, ज्योति दुबे जी का ये उत्तर है, फेसबुक से सनी यादव जी का ये उत्तर है। समीक्षा जी का बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग समीक्षा जी, पुष्पा सिंह जी, सनी यादव जी, जितने प्यारे बच्चे फेसबुक से लाइव हो रहे हैं, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी प्यारे बच्चे शशि करना यूट्यूब चैनल पर मूव कर जाएं, जिससे आप सभी के कमेंट प्यारे बच्चों एक साथ पढ़ पाएं। अगला प्रश्न बच्चे हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसने 5 पूरी खाई, उसका प्राण पखेड़ू उड़ गया, मेले में अनेक लोग थे, हमारी प्रदेश सरकार बैंक खोल रही है। सभी प्रश्न उत्तर दें। एमएम यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है शशिकन्या प्लेटफॉर्म पर, रमेंद्र जी का सी उत्तर है। सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। वेरी गुड, मेले में अनेक लोग थे बच्चे, ये आपका ऑप्शन शुद्ध है। अगला प्रश्न बच्चे हैं, निम्न वाक्य में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण करें। तुमने इतनी सी बात को लेकर डैश। प्यारे बच्चे थोड़ा आंसर आप तेज दीजिएगा, जिससे टेस्ट आपका कंप्लीट हो पाए। आना जी क्या कह रही बच्चे, एक बार स्पष्ट उत्तर दें। सर्वेश जी का डी उत्तर है, सोनम जी का बहुत बहुत स्वागत है शशिकन्या प्लेटफॉर्म पर, विजय जी का ये उत्तर है, आने जी का सी उत्तर है। वेरी गुड, तिल का तार बना दिया। नेक्स्ट बच्चे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलंकार है। जलता है ये जीवन पतंगा, जलता है ये जीवन पतंगा में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, यमक, ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी प्यारे उत्तर दें। सर्वेश सिंह जी का ये उत्तर है, आन्या जी का ये उत्तर है, कीर्ति जी का भी उत्तर है।
सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें, जितने प्यारे बच्चे फेसबुक से लाइव हो रहे हैं। ब्रिजेश जी का भी उत्तर है, संजय जी का भी उत्तर है, रमेंद्र जी का भी उत्तर है, बच्चे ऑप्शन बी रूपक अलंकार। अगला प्रश्न बच्चे हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे का पौन। बच्चे इसमें दुआ है, चौपाई है, सोठा है या रोला है? सभी प्यारे चित्र दें, इसमें दोहा है, चौपाई है, सोठा है या रोला है? वेरी गुड बच्चे, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, वाक्य में मिश्र, संयुक्त, साधारण, ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है, ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी बच्चे उत्तर दें ध्यानपूर्वक। बड़े बच्चे साधारण वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे हैं, रक्तिमा में प्रत्यय पहचानिए, ऑप्शन ए इमा, ऑप्शन बी मा, ऑप्शन सी बड़ी इमा, ऑप्शन डी तिमा। सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें, जितने प्यारे बच्चे फेसबुक से लाइव हो रहे हैं आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी प्यारे बच्चे शशिकरण यूट्यूब चैनल पर मूव कर जाएं, इससे आप सभी कमेंट प्यारे बच्चे एक साथ पढ़ पाए। वेरी गुड प्यारे बच्चों, इसका ये होता है इमा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे हैं, निम्न में तत्पुरुष समास का चयन करें, निम्न में तत्पुरुष समास का चयन करें, राजकमल, नीलकमल, भूखा प्यासा, ऑप्शन डी चौराहा। राजमहल, नीलकमल, भूखा प्यासा, ऑप्शन डी चौराहा। सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। वेरी गुड बच्चे, राजमहल। इसमें बच्चे कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे हैं, निम्न में से युद्ध भूमि का सामासिक विग्रह होगा, निम्न में से युद्ध भूमि का सामासिक विग्रह होगा, युद्ध की भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध में भूमि, ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। जितने प्यारे बच्चे वसीम जी, प्रभात कुमार पटेल जी, पुष्पा सिंह जी, जितने प्यारे बच्चे फेसबुक से लाइव हो रहे हैं आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी प्यारे बच्चे शशिकरण YouTube चैनल पर आ जाए, जिससे आप सभी कमेंट प्यारे बच्चों एक साथ पढ़ पाए। युद्ध के लिए भूमि बच्चे। अगला प्रश्न बच्चे हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। कारक के कितने भेद होते हैं? सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है शशिकरण प्लेटफॉर्म पर। वेरी बच्चे, कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट, रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। सभी प्राइवेट उत्तर दें। सोनू यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है शशिकरण प्लेटफॉर्म पर। वेरी गुड बच्चे, ए उत्तर अव्ययी भाव समास। रातों रात बच्चे क्या होगा? रातों रात अव्ययी भाव समास बच्चे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्न में से जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह है, निम्न में से जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह है? ऑप्शन ए जीवन में मुक्त, ऑप्शन बी जीवन से मुक्त, ऑप्शन सी जीवन द्वारा मुक्त, ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी प्यारे बच्चों उत्तर दें। ऑप्शन बी बच्चे जीवन से मुक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, डाकू का पर्यायवाची क्या होगा, डाकू का पर्यायवाची क्या होगा? सभी प्यारे बच्चों उत्तर दें। जयचंद जी, जयचंद चोपड़ा जी, बादल जी, जितने प्यारे बच्चे फेसबुक से लाइव हो रहे हैं आप सभी से मेरा बार बार विनम्र निवेदन है, आप सभी प्यारे बच्चे शशिकरण
YouTube चैनल पर मूव कर जाएं, इससे आप सभी की कमेंट टेबल एक साथ पढ़ पाएं। डाकू का पर्यायवाची बच्चे क्या है? बच्चे डाकू का पर्यायवाची है बटमार। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे हैं, मतैक के शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? मतैक के शब्द का सही संधि विग्रह विच्छेद क्या है? सभी प्रिय बच्चे उत्तर दें। मतैक के शब्द का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए बी सी डी। सभी प्रिय बच्चे उत्तर देंगे ध्यानपूर्वक। वेरी गुड बच्चे आनिया जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया ऑप्शन डी, मत जमा एक के। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे हैं, शब्दार्थों सहित काव्य में किसकी उक्ति है? शब्दार्थों सहित काव्य में किसकी उक्ति है? मम्मट ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी भामे, ऑप्शन डी चिंतामणि। सभी प्यारे उत्तर दी ध्यान पूर्वक। आनिया जी का सही उत्तर है, महावीर जी का सही उत्तर है, कीर्ति जी का सही उत्तर है, विजय जी का ये उत्तर है, ज्योति जी का ये उत्तर है, रमेंद्र जी का सही उत्तर है, बच्चे भामे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना कृष्ण काव्य से संबंधित है? कौन सी रचना कृष्ण काव्य से संबंधित है? पंचवटी, यशोधरा, कनुप्रिया, भारत भारती। कौन सी रचना कृष्ण काव्य से संबंधित है? पंचवटी, यशोधरा, कनुप्रिया, भारत भारती। सोनू जी का सही उत्तर है, और सभी प्रिय उत्तर दें। अनु जी का सही उत्तर है, रमेंद्र जी का सही उत्तर है, आन्या जी का सही उत्तर है, बच्चे कनुप्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, ऑप्शन ए बी सी डी। सहानुभूति कौन सा शब्द सही लिखा है? शुद्ध वर्तनी का चयन करें, सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। वेरी गुड बच्चे, ऑप्शन ए सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने मुझे जो पुस्तक दी, उसने मुझे जो पुस्तक दी वह तुम्हारी है, इस वाक्य में सर्वनामों की संख्या कितनी है? कितने सर्वनाम है बच्चे, जल्दी से उत्तर दें। उसने मुझे जो पुस्तक दी वह तुम्हारी है, इस वाक्य में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 5, 3, 7, ऑप्शन डी 6। सभी प्रिय बच्चे उत्तर दें। वेरी गुड बच्चे, वीना पाल जी, सोनू जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, 3। ज्योति जी का भी 3 उत्तर है, आन्या जी का भी 3 उत्तर है। बच्चे ज्योति जी का उत्तर है ए, बच्चे वीना जी का 3 उत्तर है, सोनू जी का 3 उत्तर है, आन्या जी का ए उत्तर है 5, ठाकुर जी का ए उत्तर है 5, सोनू जी का 3 उत्तर है, विजय जी का ए उत्तर है, सोनू जी का उत्तर है 3। बच्चे उसने मुझे पुस्तक दी वह तुम्हारी है, इस वाक्य में सर्वनामों की संख्या पूछा गया है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 बच्चे, 3 बच्चे हैं। नेक्स्ट, वह चोर जा रहा है, वह जो जा रहा है चोर है, वाक्य में सर्वनाम का भेद स्पष्ट करें। वह जो जा रहा है चोर है, वाक्य में सर्वनाम का भेद स्पष्ट करो। बच्चे निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक है, सभी प्रश्न उत्तर दें। सभी प्रवेश उत्तर दें जल्दी से। वह जो जा रहा है चोर है, वाक्य में सर्वनाम का भेद स्पष्ट करें बच्चे। रमेंद्र जी का डी उत्तर है, अनु जी का बी उत्तर है, ज्योति जी का ए उत्तर है, अन्या जी का बी उत्तर है अनिश्चयवाचक, कीर्ति जी का ए उत्तर है, ठाकुर जी का डी उत्तर है, सर्वेश जी का डी उत्तर है, सोनू जी का ए उत्तर है, रमेंद्र जी का डी उत्तर है। सभी प्रिय बच्चों, वह बच्चे जो स्पष्ट है, वह जो जा रहा है वो चोर है बच्चे, तो बच्चे क्या है,
वह चोर है, वाक्य में सर्वनाम का भेद बच्चे क्या होगा, और निश्चय वह जो जा रहा है। नेक्स्ट बच्चे ध्यान दें, गजट, बच्चे गजट लिखा है, गजट शब्द है, गजट शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशी है। गजट शब्द कैसा है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? डीके शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है शशिकन्ना प्लेटफॉर्म पर, वेरी गुड। बच्चे रमीन जी डी उत्तर दिया है, विदेशी शब्द है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इंदिवर, सतदल, हिमबिंदु, अब्ज, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? डीके शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है शशिकन्ना प्लेटफॉर्म पर, सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। रमेंद्र जी का सी उत्तर है, कीर्ति जी का सी उत्तर है, आनंद जी का डी उत्तर है, डीके जी का डी उत्तर है। पूछा गया बच्चे हैं कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, इंदिवर, सतदल, हिमबिंदु, ऑप्शन डी, अब जो सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। बच्चे ऑप्शन सी, बच्चे हिमबिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ का संधि विच्छेद है, स्वार्थ का संधि विच्छेद है, सु जमा अर्थ, स्व जमा अर्थ, स जमा अर्थ, स्व जमा अर्थ, सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। स्वार्थ का संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जितने प्यारे बच्चे, समीक्षा जी का बहुत बहुत स्वागत है शशिकन्ना प्लेटफॉर्म पर, बहुत बहुत स्वागत बच्चे आपका। रमेंद्र जी का बी उत्तर है, विजय जी का ये उत्तर है, डीके जी का ये उत्तर है, कीर्ति जी का ये उत्तर है, ज्योति जी का ये उत्तर है, अन्य जी का ये उत्तर है, विनपाल जी का ये उत्तर है, अनु जी का भी उत्तर है, सर्वेश जी का उत्तर ये है। पूछा गया स्वार्थ का संधि विच्छेद है, सही प्यारे उत्तर दें। वेरी गुड बच्ची, वेरी गुड। सुजमार्थ हुआ बच्ची, कौन संधि है? वह दूध लेकर आया, वह दूध लेकर आया, वाक्य में संज्ञा का भेद पहचानिए। वह दूध लेकर आया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। वह दूध लेकर आया, वाक्य में संज्ञा का भेद पहचानिए। सभी प्यारे उत्तर दें जल्दी से। वैगुच्छ द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद सृजन पीठ है, प्रेमचंद सृजन पीठ है, उज्जैन में, भोपाल में, सागर में या जबलपुर में? सभी प्यारे बच्चे जो फेसबुक से लाइव हो रहे हैं, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी प्यारे बच्चे शशिकन्ना यूट्यूब चैनल पर मूव कर जाएं, जिससे आप सबके कमेंट प्यारे बच्चे के साथ पढ़ पाए। प्रेमचंद सृजन पीठ बच्चे कहाँ हैं? ऑप्शन ए उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर। इसको प्यारे बच्चे उत्तर है ऑप्शन ए उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वाक्य में कितने सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? कोई क्या कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वाक्य में कितने सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? तीन, दो, यहां बच्चे ऑप्शन चेंज हो गया है, सेम हो गया है, पांच लिख लीजिए, तीन, दो, पांच, चार। कोई क्या कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वाक्य में कितने सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? गोविंद सिंह जी, पुष्पा सिंह जी, विपिन यादव जी, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी प्यारे बच्चे शशिकन्ना YouTube चैनल पर मूव कर जाएं, जिससे आप सभी कमेंट प्यारे बच्चे एक साथ पढ़ पाएं। आवाज आ रही है, डीके जी ने कहा एसआई के लिए बुक बताओ सर, बच्चे आप क्या कोई, तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्याकरण की दृष्टि से काला शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से काला शब्द क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। व्याकरण की दृष्टि से काला शब्द है। डीके जी ने कहा एसआई के लिए बुक बता दें। डीके जी प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ले ले बच्चे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ले ले आप। अभिषेक जी ने दो उत्तर दिया है, रविंद्र जी का भी उत्तर है विशेषण। वेरी गुड जी, ऑप्शन बी विशेषण। काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? घोड़ा बच्चे काला है। अनिल ने कहा डीके शर्मा भाई आप सर से पढ़ो, कोई बुक की नीड नहीं होगी। आन्या जी ने डीके जी को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनमाला में महाप्राण की संख्या होती है, वनमाला में महाप्राण की संख्या होती है 10, 15, 14, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी पे उत्तर दें, वनमाला में महाप्राण की संख्या बच्चे कितनी है? महाप्राण कितने होते हैं? महाप्राण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्पप्राण से ज्यादा समय लगता है उसे महाप्राण कहते हैं। सभी पे उत्तर दें। वेरी गुड, अनुज जी ने भी उत्तर दिया है, देखते सही या नहीं। विजय जी का सी उत्तर है, वीना पाल जी का सी उत्तर है, ज्योति दुबे जी का उत्तर ए है, और सभी बच्चे उत्तर दें। रमेंद्र जी का सी उत्तर है, और सभी पे उत्तर दें। सर्वेश जी का सी उत्तर है, ज्योति जी का ये उत्तर है, अन्या जी का सी उत्तर है। बच्चे 14 होते हैं, ज्योति दुबे जी 14 होते हैं बच्चे, 10 नहीं होते हैं, 10 स्पर्श व्यंजन में होते हैं। पूरे व्यंजन की बात की जा रही है, वर्णमाला में ध्यान दीजिए लिखा क्या है, वर्णमाला में पूछ रहा है बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन में, तब आप उत्तर देंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के बाद दिन विग्रह का समस्त पद है, प्रतिदिन, दिनानुदिन, दिन दिन, दिनोदिन। सभी पहले उत्तर दें। दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन विग्रह का समस्त पद है, प्रतिदिन, दिनानुदिन, दिन दिन, दिनों दिन। सभी बच्चे उत्तर दें ध्यानपूर्वक। वेरी गुड जी, ऑप्शन बी दिनानुदिन। रसोई घर का समास विग्रह है, रसोई का घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर की रसोई, घर में रसोई। सभी पे बच्चे उत्तर दें। रसोई घर का समास विग्रह है, ऑप्शन बी रसोई के लिए घर। नायक का संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए ने जमा अक, ऑप्शन बी नय जमा अक, ऑप्शन सी नाय जमा अक, ऑप्शन डी ने जमा अक। सभी पे उत्तर दें। नायक का संधि विच्छेद है इसका बच्चे ऑप्शन डी ने जमा अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हैं, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड बच्चे, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? सभी प्रेमी उत्तर दें देशभक्ति में। वेरी गुड बच्चे, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का सही विकल्प चुने, गूलर का फूल होना, सुगंधित होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ होना, अति प्रसन्न होना। वेरी गुड बच्चे, रमेंद्र जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, दुर्लभ होना। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। आज कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास आपकी लेट स्टार्ट हो पाई। जो बच्चे पहली बार सत्य करना यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, जितने प्यारे बच्चे, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्यारे बच्चे आपसे निवेदन है मेरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन क्लिक कर लें, जिससे आपके पास लगातार नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।
और आप सभी प्यारे बच्चे मंडे टू फ्राइडे समान हिंदी की श्रृंखला में 6 बजे उपस्थित रहें, और आज 7:15 बजे 7:15 पर शशिकर्णा यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी का टेस्ट होगा। आप सभी प्यारे बच्चे उपस्थित रहें। दीप चंद जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मंडे टू फ्राइडे समान हिंदी श्रृंखला का प्रतिदिन टेस्ट 6 बजे होता है। पॉलिटिकल साइंस बच्चे पॉलिटी की क्लास ऑल इंडिया टेस्ट जो है वो 7:15 बजे हैं। आप सभी प्यारे बच्चे शशिकर्णा यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि बच्चे।